मित्रों, अभी अभी देश में हम चुनाव में जा रहे हैं, हिंसा कहां होती? मैं आज देश के मीडिया को भी कहना चाहता हूं, हिंसा की बात आप करते हैं, कौन से राज्यों में चुनावी हिंसा होती है? कौन से राज्य में पॉलिटिकल हिंसा होती है? मैं आज देश की जनता को गिनाना चाहता हूं, केरल हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हो गए, 300 से ज्यादा कार्यकर्ता अपाहिज हो गए, किसका शासन है? इंडिया अलायंस का शासन है। बंगाल सैकड़ों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए, हमेशा चुनाव में धांधली, गपलेबाजी और हिंसा होती रही, किसका वहां राज है? ममता दीदी का राज है, इंडिया अलायंस का राज है। बिहार में भी जंगल राज था, तब 100-100 किलोमीटर दूर मतपेटियां मिलती थी, किसका राज था? इंडिया अलायंस का राज था। यूपी में भी चुनाव का रेगिंग होता था, हमारी सरकारों में कभी रेगिंग नहीं हुआ, किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हिंसा की भेंट चढ़े, कईयों ने तो जान गंवाई, कई अपाहिज हो गए, कईयों के घर जल गए। हम तो हिंसा के भुक्त भोगी है, हिंसा फैलाने वाला गठबंधन अगर कोई है तो एक घमंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस का शासन था, आजादी के वक्त कांग्रेस ही देश की ओर से नेगोशिएट करता, तब ही देश का विभाजन, और आज भी कांग्रेस की विभाजनकारी प्रवृत्ति राजनीतिक फायदे के लिए कम नहीं हुई। अभी अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि देश के दो टुकड़े होने चाहिए, खुलेआम देश के दो टुकड़े करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट से कन्नी भी नहीं काटती है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती। मां भारती का अपमान करने वाले जॉर्ज पुनिया का कांग्रेस के राजकुमार आशीर्वाद लेते हैं, जॉर्ज सोरेस जो भारत विरोधी है वो उनका समर्थन करता है, कोयम्बतूर बम ब्लास्ट को इंडिया अलायंस इसके गुनेगारों को रिहा कर देती है, और कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते हैं, पाकिस्तान की मदद मांगते। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर दिया। शर्म करो कांग्रेसी, आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो, देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो, और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है। मित्रों, और मैं देश की जनता को कहता हूं, ये विभाजनकारी प्रवृत्ति जो आजादी के वक्त थी वो आज भी वहां पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मित्रों, अभी अभी एक कांग्रेस के शहजादे को किसी ने एक भाषण लिखकर दे दिया है, उनका तय है हर भाषण वो 9 महीने तक बोलते ही रहेंगे, 9 महीने के बाद स्क्रिप्ट बदलता है, ये तय है उनका। अभी उनके हाथ में ओबीसी का भाषण किसी ने थमा दिया है, हर जगह ओबीसी पूछते हैं, हर सवाल ओबीसी के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अच्छा ट्यूटर रख लो, अच्छा शिक्षक रख लो, और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है उसका जरा अध्ययन कर लो, आप जो बोल रहे हो वो आपके ही खिलाफ जा रहा है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, 1957 में काका साहेब कालेकर कमिटी ने पिछड़ों के लिए रिपोर्ट दिया, कांग्रेस पार्टी ने इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। मंडल आयोग बना 1980 में, मंडल आयोग को इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1990 में जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई, विपक्ष के नेता के नाते राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया, और मित्रों ओडिशा में और जवाहरलाल जी ने 1951 में जातिवादी सर्वे का विरोध किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया?
मैं पिछड़ा समाज की बात करता हूं, बड़े गौरव के साथ बात करता हूं मित्रों, हमने इस देश को गौरव हुई इस तरह से अति पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज देश में पहला मंत्रिमंडल ऐसा है मोदी जी का जिसमें 27 मंत्री ओबीसी है। राज्यों को ओबीसी की सूची का संशोधन करने का अधिकार मोदी जी ने दिया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मेडिकल इंजीनियरिंग के दाखिलों में 27% आरक्षण पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ओबीसी की छात्रवृत्ति में 33% की वृद्धि नरेंद्र मोदी जी ने की। आईआईटी में ओबीसी छात्रों की ट्यूशन फी को माफ करने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नीट की परीक्षा में ओबीसी बच्चों का पहली बार अगर आरक्षण हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियों में 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये जितनी भी गरीब कल्याण की स्कीमें बनी है उस सब में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो दलित, पिछड़ा और ओबीसी भाई है। राहुल गांधी, आप हमें क्या ओबीसी का कल्याण सिखाते हो? हम तो समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। जो पिछड़ा है उसको ज्यादा मिलता है, जो अकड़ा है वो अपने आप अपना शहर जाने देता है। मोदी जी ने इस देश की जनता का आह्वान किया, जिनको सुख है, संपत्ति है, ईश्वर की कृपा है, वो अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दे। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गैस की सब्सिडी अपने आप त्याग करी। मोदी जी ने करोड़ों गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस देने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण को समाप्त कर दिया। इसके आधार पर ही राजनीति करते थे, इसके आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते। उनका स्वप्न ये 4 आधारों पर सत्ता हथियाने का स्वप्न मोदी जी ने चूर चूर कर रख दिया। अब इस प्रकार के कलुषित मैंडेट वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज 10 साल में देश महान भारत, विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहा है। दूर दूर तक सत्ता प्राप्ति की संभावना आज घमंड या गठबंधन को नहीं देखती है। इसके लिए वो लोग डिनायल मोड में आ गए, हर चीज में विरोध करते। धारा 370 और 35 से हटाई कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं को अधिकार देने के कई मौके आए, वे विरोध करते रहे। 3 तलाक का विरोध किया, ओबीसी कमीशन का विरोध किया, कश्मीर में गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी वाल्मीकियों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी कई सारे व्यवधान खड़े किए। हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का सीए का बिल, इसका विरोध किया। एक देश एक टैक्स जीएसटी का विरोध किया। दलित को राष्ट्रपति बनाना, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना आपने आम सहमति नहीं होने दी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने भारत की सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तापित। आतंकवाद के सामने एक कड़ा मैसेज दिया आपने उस वक्त भी। राहुल बाबा, आपने उस वक्त भी देश से साक्ष्य मांगे थे, शर्म करो, शर्म करो, सेना के जवान की शहादत पर आप साक्ष्य मांगते हो। मित्रों, भारत ने वैक्सीन का निर्माण किया, 100 से ज्यादा देशों में हमारा वैक्सीन गया। वैक्सीन के माध्यम से आज 140 करोड़ का देश कोरोना से सुरक्षित हुआ। उसको भी मोदी वैक्सीन कर आपने बदनाम करने का प्रयास किया, मगर देश की जनता ने भी आज भी कोई वैक्सीन लेने जाता है तो कहता है मोदी वैक्सीन दे दो भाई, मेरी इम्यूनिटी खत्म हो गई। डिजिटल इकोनॉमी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका विरोध किया। नई संसद बनाई, इतनी भव्य संसद देखकर आज पूरी देश की जनता पुलकित है, गौरवान्वित है, इसका भी आपने विरोध किया। कर्तव्य पथ बना, आपको राजपथ नाम अच्छा लगता था, कर्तव्य पथ का भी विरोध किया। भारत मंडपम में
कोर्ट से उसको रोकने का प्रयास किया, यशो भूमि को भी रोकने का प्रयास किया, डाटा प्रोटेक्शन का विजनरी बिल इसका भी विरोध किया, और अंत में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का भी आपने विरोध किया। मित्रों, ये कांग्रेस डिनायल मोड में आ चुकी। पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहता हूं, 5 साल का पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस का हिसाब किताब निकालिए। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबे और बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं किया। हम भी विपक्ष में रहे, 10 साल तक बैठे, आगे पूरा जीवन विपक्ष में। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई, अच्छा है उसका समर्थन करते थे, और आपके भ्रष्टाचार को भी हमने उजागर किया, मगर आपने क्योंकि भ्रष्टाचार है नहीं, बाहर जाना ही उचित समझा। मित्रों, इंडी अलायंस अहंकार से युक्त है, वो सहन ही नहीं कर सकते। वो ऐसा मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वो ही बन सकता है जो बड़े परिवारों से आता, वो सहन नहीं कर सकते। एक गरीब मां का बेटा अब देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चला रहा है, ये अहंकार उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े। ये परिवारवादी राजकुमार सारे के सारे इकट्ठा होकर हमारा विरोध कर रहे। मोदी जी ने 40 से ज्यादा नीतियां बनाकर इस देश को नीतियों के आधार पर चलाने का काम किया। मैं पूरी सूची बोलना नहीं चाहता मित्रों, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया ऐसी पूरी दुनिया मनमोहन सिंह सरकार को कहती थी। आज मोदी सरकार ने हर क्षेत्र की 40 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर पॉलिसी के आधार पर शासन कैसा हो सकता है उसका उदाहरण पूरी दुनिया में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, भारत माता की, मित्रों मैं और आप, हमारे नेता के वखान करें पत्रकार भी कहेंगे, एक घमंडिया गठबंधन भी करेगा, आपको ऐसा ही करोगे, मगर मैं आज देश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर, मोदी जी को आशीर्वाद देकर अपना समर्थन जताया है। आज देश के 70 राज्यों में, 17 स्टेट्स में एनडीए की सरकार है, 58% हिस्से पर जिसमें 57% आबादी है वहां एनडीए का रूल है। गुजरात में हम लगातार 6 चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में 21 सालों से शासन में है, गोवा में 3 बार जीते, उत्तर प्रदेश में 2 बार जीते, उत्तराखंड में 2 बार जीते, हरियाणा में 2 बार जीते, अरुणाचल में 2 बार जीते, आसाम में 2 बार जीते, त्रिपुरा में 2 बार जीते, मणिपुर में 2 बार जीते, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी 3-3 टर्म तक मैंडेट मिला था, और फिर से 4th मैंडेट छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने दिया है। बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, वहां एनडीए को बार बार आशीर्वाद मिला। मित्रों, ये जनादेश जो है वो मैं मानता हूं मोदी जी का परिश्रम, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के परफॉर्मेंस पर 140 करोड़ की जनता का थप्पा है जो इंडिया अलायंस को नहीं दिखाई। भाई और बहनों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, अभी अभी इंडिया अलायंस वाले के जो नेता है कांग्रेस पार्टी, एक भारत जोड़ो यात्रा तोड़ना, तो निवेदन तो आपके भारत तोड़ने के हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। मैं उनको कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के कार्यक्रम और यात्राएं, राजनीतिक कार्यक्रम, वो पार्टी का परिचय करा दे। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जितने भी आंदोलन किए, सत्ता में वापिस आने के लिए की, भारतीय जनता पार्टी का 1950 से इतिहास है। हमने जब भी आंदोलन किए देश के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए, जनता के लिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए, हमने 370 हटाने का आंदोलन किया। गोवा बचाओ का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया। कच्छ का सत्याग्रह भारतीय जनता पार्टी ने किया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आंदोलन
जनसंघ ने किया। आपातकाल के विरोध में हम लड़े, असम में घुसपैठियों के खिलाफ हमने पूरे देश को मोबिलाइज किया। राम जन्मभूमि का आंदोलन भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अडवाणी जी के नेतृत्व में हमने आवाज उठाई। तेलंगाना आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया और सबरीमाला का आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी पार्टी ने कभी भी सत्ता प्राप्त करने के लिए आंदोलन नहीं किए हैं, जनता के परेशानियों के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए और देश को सुरक्षित। अब हम सब ने देश की जनता के सामने जाना है, देश की जनता को स्पष्ट बताना पड़ेगा। एक ओर ये परिवारवादी पार्टियां हैं और दूसरी ओर एक गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है, आप किसको पसंद करें। एक ओर 60 साल से भ्रष्टाचार की गंगा जिस पार्टी से बहती है वो कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल से शासन में होने के बावजूद भी कपड़े पर एक भी दाग नहीं लगा, ऐसा नरेंद्र मोदी है। एक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला एक घमंडिया गठबंधन है और दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी है, आप किसको सिलेक्ट करोगे। एक और कुछ बनने के लिए राजनीति में आए हैं और दूसरी ओर भारत माता को सर्वस्व समर्पित कर पूरा जीवन देकर काम करने वाले व्यक्ति है। एक और हर साल 3 महीने विदेश में वैकेशन करने वाला नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से एक भी छुट्टी न देने वाला कर्तृत्ववान नेतृत्व है। एक और दिशा विहीन राजनीति है, दूसरी ओर एक युग दृष्टा नेता के नेतृत्व में महान भारत की रचना को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। देश की जनता को हमने बताना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हर भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना जागृत की, हर युवा को आजादी के आंदोलन से वाकिफ कराया है और 75 वर्ष की सारी सिद्धियां इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी देश की जनता के सामने रखी है। और सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद जब अमृत काल में शताब्दी तक पहुंचेंगे तब महान भारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता के मन में प्रत्यारोपण किया है। तो बहुत बड़ी बात है, एक सामूहिक चेतना, एक सामूहिक संकल्प और संकल्प को सिद्ध करने का सामूहिक पुरुषार्थ इतने बड़े देश में जागरूक कोई और ही कर सकता है। मित्रों, हमारा नेतृत्व, हमारा नेता संवेदनशील है, मोदी जी संवेदनशील है, हम सब जानते हैं, जनता की तकलीफों को जानते हैं, जनता की भावना को समझ। एक युग दृष्टा नेता है, वो कर्मठ है, कठोर परिश्रम करते हैं, कठोर निर्णय लेने में भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, चीन के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। नोटबंदी गरीबों के कल्याण के लिए, नोटबंदी यही नेतृत्व ने की, विश्व मित्र की भारत की छवि भी हमारे नेता ने ही बनाई। वैक्सीन के माध्यम से 100 से ज्यादा देशों के कोरोना काल में उन्होंने बढ़ा। मातृशक्ति को भगवान की तरह भक्ति से पूजा करने वाला नेतृत्व बहुत सालों बाद देश को मिला है। विधानसभा और संसद में 33% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और जाति की कल्पना जो सदियों से इस देश में थी, इसको समाप्त कर गरीब, युवा, महिला और किसान, ये 4 वर्ग को समाहित कर 7 अर्थ में संविधान की स्पिरिट को मोदी जी ने नीचे उतारा है, नीचे तक उतारा है। मैं मोदी जी को जानता हूं, मोदी जी दीपक की लौ की तरह है जो खुद जलकर अंधेरों को काटने का काम करते हैं। जिस तरह से दीपक की लौ कभी नीचे नहीं जा सकती,
उस तरह से मोदी जी का काम और विचार भी उद्वगति वाले हैं, वो कभी नीचे की ओर नहीं आ सकते। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के ये उद्वगति वाली सोच, उद्वगति वाली कर्मठता और उद्वगति वाले परिश्रम से ही ये देश 2047 में महान भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा और पूरी दुनिया गौरव से देखती रहेगी भारत माता की जलहल होती हुई छवि को और सम्मान करेगी। एक और मैंडेट देश की जनता के सामने बड़ी विनम्रता के साथ मांगे कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल 140 करोड़ की जनता की सेवा करना है और देश को महान करना है, और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं सकता।